For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो नामकरण अब वाकई विजयदशमी की तैयारियां पूरी पूरी कर चुका है। साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि इस बार विजयदशमी का मंजर बहुत अलग होने वाला है। श्री राम नहीं बल्कि सीता माता करने वाली है रावण का वध। जी हाँ, सुनकर चौंक जाएंगे आप, लेकिन इस बार यानी कि इस कलयुग में रावण का वध करने के लिए राम नहीं बल्कि सीता आने वाली है। और इस बार हमारी सीता माता रावण को उसकी लंका से खदेड़ कर लाने वाली है और उसका वध भी करने वाली है, और वो भी विजयदशमी के दिन। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि नामकरण की कहानी में सीता और कोई नहीं बल्कि हमारी अवनी है, और उसकी ज़िंदगी का रावण सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है, और वो है खुद दयावंती मेहता, जिस रावण ने पहले उसकी माँ और फिर उसके बाप दोनों को मार दिया था। और इसके बाद अवनी के भाई यानी कि अमन, जो अब अमोल बन चुका है, उसके भाई के दिल में भी दुनिया भर का जहर घोल दिया था। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि अब इस पाप का अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है, और इस पाप का अंत इस बार खुद करने वाली है अवनी, जिसके बाद कैसे कैसे इस बार उसको राम भी नहीं रोकेगा, और कैसे इस बार सीता करती चली जाएगी रावण का वध और अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इस दुश्मन का वध, ये देखना कहानी के अंदर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आपको याद दिला दें कि जिस तरह एक बार पहले महाकाली के टाइम पर हुआ था नामकरण का ट्रैक, उसी तरह से अब एक बार फिर से विजयदशमी वाला ट्रैक भी होने जा रहा है, जिसमें कितना ज़्यादा मज़ा आता है और इस बार कैसे इस बड़े दुश्मन का अंत हो जाता है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।